जी हाँ नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज जो थोड़ी ही देर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान के बीच में आईपीएल 2022 का एक खतरनाक और शानदार क्वालिफायर मुकाबला जो खेला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी की लाइव अपडेट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी तो आप सभी को बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आप भी गुजरात और राजस्थान के बीच रोमांचक मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कर बताना कि राजस्थान और गुजरात में से आपके अनुसार कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि आईपीएल 2022 में डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पहले ही सीजन में हम सभी को प्रभावित कर रख दिया और उसने अपने शुरुआती तीन मैचों में जीत हासिल की थी, लेकिन चौथे मैच में उसे अपनी पहली हार चखनी पड़ी थी और वो टीम कोई और नहीं बल्कि आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद की थी। हालांकि दोस्तों बाद में इसका हिसाब जरूर हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम ने चुकता कर लिया था, लेकिन दोस्तों यहां पर किसी को शुरुआत से ये नहीं पता था कि गुजरात टाइटंस की टीम ही वो पहली दो टीमों में से एक होगी जो कि आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर क्वालिफाई करेगी। हालांकि थोड़ा बीच में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जंग देखने के लिए मिली, लेकिन फिर भी गुजरात की टीम और राजस्थान की टीम आप सभी को पहला क्वालिफायर खेलती हुई नजर आएगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने अगले मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम का सामना संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ होने जा रहा है। तो राजस्थान भी इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है और उसने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को हराया भी था और आप सभी को यह पता भी होगा कि राजस्थान की टीम जहां एक तरफ लगातार बेहतर से बेहतर अपने आप को करती चली जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को भी हरा पाना इतना आसान अब किसी भी टीम के लिए होने नहीं वाला है। हालांकि दोस्तों अब क्वालिफायर वन में ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार वो कौन सी पहली टीम होगी आईपीएल 2022 की जो कि फाइनल के लिए सीधा क्वालिफाई कर जाएगी और वहीं दूसरी टीम को हालांकि बाद में फिर एलिमिनेटर वाली टीम से भिड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर यकीन मानिए कि गुजरात और राजस्थान के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला होगा और ये मैच आप सभी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाता हुआ दिखाई देगा और वहीं इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप सभी 7:30 बजे से देख सकोगे और अगर टॉस की बात की जाए तो टॉस 7 बजे से करवाया जाएगा। हालांकि दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार गुजरात और राजस्थान की कौन सी प्लेइंग 11 टीम होगी जो कि आप सभी को पहले क्वालिफायर मुकाबले के लिए खेलती हुई दिखने वाली है। हालांकि यहां पर एक भी खिलाड़ी का नाम तो अब मिस करना ही मत क्योंकि एक एक खिलाड़ी को काफी सोच विचार कर ही अब टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आइए पहले नजर डाल लेते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी यहां पर गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 टीम देख पा रहे हो, जो उसमें खिलाड़ी आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाले हैं उसमें ओपनिंग तो एक बार फिर से रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल करेंगे, तो वहीं तीसरे नंबर पर मैथ्यू वेड का नाम रखा गया है, चौथे नंबर पर हार्दिक पांड्या कप्तान जो की भूमिका भी निभाने वाले हैं, तो वहीं पांचवें नंबर पर डेविड मिलर, छठे नंबर पर राहुल तेवतिया, सातवें नंबर पर राशिद खान टीम का हिस्सा होंगे, तो वहीं आठवें नंबर पर आर साई किशोर को मौका दिया गया है, नौवें नंबर पर लॉकी फग्रुसन, दसवें नंबर पर यश दयाल आप सभी को खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और वहीं 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों अगर अब हम बात कर लें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों जो राजस्थान की प्लेइंग 11 आपको दिखाई देने वाली है उसमें यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर तो टीम का हिस्सा रहने ही वाले हैं और ओपनिंग भी ये दोनों ही खिलाड़ी करेंगे, और वहीं तीसरे नंबर पर कप्तान संजू सैमसन, चौथे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल, पांचवें नंबर पर शिमरॉन हेटमायर, तो वहीं छठे नंबर पर रियान पराग, सातवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, आठवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, नौवें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा, दसवें नंबर पर युजवेंद्र चहल और 11वें नंबर पर ओवेड मैकॉय आप सभी को खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी दोनों की खतरनाक प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को दिखाई देने वाली है। और अब आप सभी इस मुकाबले को जरूर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर तो देखना बिल्कुल भी भूलिएगा मत और हॉटस्टार ऐप का भी उपयोग जरूर करना लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए। बाकी अब आप सभी की क्या राय है इस रोमांचक मैच के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम इस पहले क्वालिफायर मैच को जीतेगा, गुजरात की टीम या फिर राजस्थान की टीम, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना।